वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहन और मैं फिर से लामा किचन गए खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम दोनों नहीं गए थे और वहाँ का चाउमीन का मज़ा कुछ और ही है। तो हम दोनों ने ऑर्डर कर लिया, अभी वेट कर रहे हैं। बस ऐसे ही खुद को देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों बाहर गए से बैठे। कस्टमर भी कम ही था उस वक्त, हम दोनों वेट करते रहे। फिर बहन अपने फ़ोन में अपने दोस्त के फ़ोटो दिखा रहे थे, फिर हम दोनों ऐसे बातें करते रहे और फाइनली हमें कोक मिल गया और बहन सर्व कर रही है क्योंकि कोक बहन का फेवरेट है। तो हम दोनों ने बस कोक ही मंगा लिया। मैंने सोचा था मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन बोतल में दिया और हमें लगा था कि ग्लास में आएगी। तो फिर हम दोनों इन्जॉय करने लगे और सामने एक क्यूट सी बच्ची भी थी जो दिख रहा है थोड़ा। और ये रहा हम दोनों का चाउमीन। चॉपस्टिक से इतना खाना तो नहीं आता, फिर भी हम दोनों सीख रहे हैं। ओ, मैंने गलती से बहन को ढक दिया, मैं कैमरे पे नहीं देखा। फिर ये फर्स्ट बाइट, इट वॉज नाइस एक्चुअली, लेकिन वहाँ का जो चटनी है हमें इतना पसंद नहीं आया। बाकी टाइम में अच्छा ही रहता है, लेकिन पता नहीं इस बार कोई और बनाया होगा, जो बाकी टाइम में बनाते हैं वो नहीं बनाया होगा। बहन ने तो पोर्क का खाया क्योंकि उसको पोर्क पसंद है, और मुझे पोर्क इसलिए पसंद नहीं है कि ज़्यादातर उसमें फैट्स होता है। तो ये लीजिए, इट्स टेस्टी। दोबारा मैं ज़रूर चलना चाहूँगी। और हाँ, वहाँ का सूप मुझे तो ठीक ही लगा, लेकिन बहन को पसंद नहीं आया। वो बोल रही थी कि थोड़ा कड़वा जैसा है। बोल तो रहे थे कि चिकन का ही सूप है, लेकिन पता नहीं। तो किस किस का चाउमीन पसंद है? खाते जाए। हम दोनों ने बस चाउमीन, कोक और तिंगमो मंगाया क्योंकि हम दोनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बस क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट्स के हिसाब से थोड़ा यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं, बजट में है हम दोनों का। पर हम दोनों ने ज़्यादा नहीं मंगाया। देखो मैं किस तरह से नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि वो उसमें से आ नहीं रहा था। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को बुला के उनको डालने देना था, पर वो दिख नहीं रहे थे मुझे, तो मैंने खुद ही ऐसे कर लिया। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। वी आर एंजॉयिंग आवर चाउमीन। और ये रहा हम दोनों का टिंगमो। टिंगमो एक टाइप का ब्रेड ही है जो स्टीम करके बनाया जाता है। इट्स आई गेस इट्स अ टिबेटियन डिश, और ये ब्रेड जैसा थोड़ा सूखा होता है। एंड इट गोस वेरी वेल विथ मीट और ग्रेवी वाला मीट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।